वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिन गोयल और आप लोगों के साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए और हमेशा के लिए आपके काम आते रहें, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आगे वाली जनरेशन के लिए भी काम आएंगी। ये एक नाम लिखा है आपके सामने जिसका नाम है पैरेलल इकोनॉमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इस छोटे से टॉपिक के बारे में। छोटा क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है ये। इसके बारे में जितना पढ़ोगे उस समय आपको क्लियर रहेगा इसका मीनिंग क्या है। पैरेलल इकोनॉमी को और दूसरे नाम से जानते हैं हम ब्लैक इकोनॉमी, या इसको और बोलते हैं हम अनअकाउंटेड इकोनॉमी। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, डार्क इकोनॉमी भी नाम हो सकता है, शेडो इकोनॉमी भी नाम हो सकता है। शेडो या डार्क इकोनॉमी, ये होता क्या है? जैसे इसका नाम ना पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक, अनअकाउंटेड, अनशेडो। अगर इस वर्ड को पकड़ो आप अनअकाउंटेड इकोनॉमी तो जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, ये ऐसी इकोनॉमी है जो हमारे लिए एक जी का जंजाल है। इसको बोलते हैं मैनेस टू द इकोनॉमी। अब मैनेस टू द इकोनॉमी क्यों है ये? आपको पता होगा कि ये जितनी भी हमारी इकोनॉमी चलती है, चाहे हमारे किसी भी कंट्री की लीजिए, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर आवर गवर्नमेंट इज टैक्स। अगर वो टैक्स नहीं मिलेगा तो हमारी गवर्नमेंट को ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब मैं इसमें उस आर्गुमेंट में नहीं जाऊंगा जो कि शायद आप लोग मुझसे शुरू कर सकते हैं कि सर टैक्स देके भी क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। वो एक सेकेंडरी इशू रखूंगा, उसको प्राइमरी पे नहीं लाऊंगा। मैं पॉलिटिकल इशू नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल इशू पर आऊँगा। किसी भी कंट्री की बात करोगे आप, किसी भी कंट्री, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे एशियन हो, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, यू विल फाइंड दैट द मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रनिंग बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू दे जनरेट फ्रॉम वन ऑफ द मेजर सोर्स इज टैक्सेशन। इवन मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज में भी अब टैक्सेशन चालू हो गया है, बिकॉज दे नो दैट विदाउट टैक्स दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट गिव वॉट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो उसी पैसे के ऊपर टैक्स मिलेगा जो कि डिस्क्लोज होगा, जो आपको दिखाया जाएगा। सैलरी वाला जो सैलरी कमाता है उसको दिखानी पड़ेगी क्योंकि उसकी कंपनी सैलरी मिल रही है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनको सैलरी तो मिल रही है लेकिन अकाउंट में नहीं मिल रही, कैश मिलती है? व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कि पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन कैश में कमा रहे हैं? अब अगर मैं कैश में कमाता हूँ 100 और गवर्नमेंट को दिखाता हूँ सिर्फ 20, तो गवर्नमेंट को मैंने दिखाया सिर्फ 20 रुपये एज अ टैक्स फॉर रेवेन्यू, उसके ऊपर वो टैक्स काटेगा, तो मैं टैक्स सिर्फ 20 पे दे रहा हूँ, बाकी 80 कहाँ गया? जिससे मैं घर के खर्चे चला रहा हूँ, जिससे मैं गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ, जिससे मैं बंगले खरीद रहा हूँ, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ब्लैक इकोनॉमी। याद रखना कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ ब्लैक इकोनॉमी में इतने आगे बढ़ गई कि उनका जो 16-17% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पैरेलल इकोनॉमी में आया, और बाद में गवर्नमेंट सेज वी आर बैंकक्रप्ट, दे डोंट हैव मनी। मनी है, हर जगह मनी होता है, लेकिन काउंटेड नहीं है, इसलिए कम इकोनॉमी फेल हो जाती है। जो पैरेलल इकोनॉमी में पैसा जा रहा है दैट इज द ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब ऑन विच वी डू नॉट पे टैक्स। इस पे हम टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स बचोरी करते हैं हम टैक्स पे ना करने का मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ दिया, भूल गए, नहीं, हम चोरी करते हैं। ये ऐसा पैसा है, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, ब्लैक इकोनॉमी का सपोर्टर, जिस पे हम पैसा चोरी करते हैं गवर्नमेंट से। अब एक एग्जांपल समझाता हूँ छोटे छोटे। आप ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, क्या आप उसको चेक देते हैं? नहीं। क्या उसको आप ATM में ट्रांसफ़र करते हैं? नहीं, आप उसको कैश देते हो। अब ये ऑटो वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो कितना पैसा गवर्नमेंट को दिखाएगा। आप रिक्शा वाले पे बैठ के आप रिक्शा की सवारी करते हो, क्या देते हो? कैश। आप अपने घर के आसपास जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं लोकल, जैसे आपको जिसको हम बोलते हैं किराना स्टोर, और जनरल डिपार्टमेंट स्टोर को क्या देते हो आप नॉर्मली, वो क्या करते हैं? कैश। जैसे बोलोगे ना कि सर आपको मैं कार्ड दे दूँ, वो बोलेंगे अरे कार्ड दोगे तो 2% चार्ज लग जाएगा, अरे GST लग जाएगा, छोड़ो छोड़ो क्या करोगे। क्यों? वो आपको एनकरेज करते हैं कि आप मत दो हमें चेक या हमें अकाउंट में ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि अगर आपने दिया तो वो अपने पैसे को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए जब भी कंट्री बहुत बड़े बड़े स्टेप लेती है जिसमें कि हम काले धन को वापस लाने की कोशिश करते हैं,
सबसे ज़्यादा रोने वाले यही लोग होते हैं जिनके पास कैश पड़ा होता है, क्योंकि वो कैश अब खर्च नहीं कर सकते। प्रॉब्लम हो गई, घर में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ दिखाऊँ, नहीं दिखा सकते। एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं तो टीचर हूँ इसलिए मैं भी उसका पार्ट कहीं ना कहीं रहा हूँगा लाइफ के अंदर। टीचर्स की लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज कहो, डिसएडवांटेज कहो, क्या ज़रूरत कहो या कुछ भी कह सकते हो, कोई भी टीचर होगा कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाएगा और उसके बाद वो शाम को क्या पढ़ाएगा, ट्यूशंस। अब ट्यूशंस की फ़ीस कैसे आती है, नॉर्मली बाय कैश। अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कैश को कितना दिखा सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो सारा का सारा तो दिखा नहीं सकते, फिर उनको दिक्कत होगी, घर चलेगा कैसे मेरा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस इनकम से घर चलाएंगे, सैलरी सेव हो रही है तो गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है, सिर्फ सैलरी, और खर्चा कहाँ से निकल रहा है, पैरेलल इकोनॉमी से। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा एग्जांपल है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। और पैरेलल इकोनॉमी इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, जिसको आपको ध्यान रखना है कि जितना हम पैरेलल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं उतना ही अपनी कंट्री को हम वीक करते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाते भी हो तो कमाओ, लेकिन गवर्नमेंट को दिखाओ। अगर आप 100 कमा रहे हो, 10 दे भी दिया, 20 दे भी दिया गवर्नमेंट को, तो कोई आफत नहीं है। बाकी 80 आप बिल्कुल चैन की नींद सोओगे, क्योंकि आप कभी ज़िंदगी में, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो पैसा कहीं ख़राब हो रहा हो, लेकिन आपका पैसा आपका है। उस समय आपको टकरे नहीं खाने की, मेरा पैसा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही मेजर स्टेप होता है दुनिया के अंदर। आप आई थिंक मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता, छोटा सा समझाने के लिए। लेकिन वो एक मेजर स्टेप होता है ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए। अब कितना उसके ऊपर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कितना सोशल लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि उसका बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, इमीडिएट नहीं हो सकता। तो दिस इज़ अबाउट पैरेलल इकोनॉमी, इट इज़ ऑल अबाउट कैश इकोनॉमी, जिसको हम दिखाते नहीं अपने रिकॉर्ड्स में, और इस पर हम पैसे की, टैक्स की चोरी करते हैं। और टैक्स चोरी का मतलब, इसको हम सिर्फ खर्च कर सकते हैं, इसको दिखा नहीं सकते। बहुत सारे लोग देखे होंगे, बोलेंगे बिजनेस नहीं चल रहा, ठप पड़ा है, काम नहीं कर पा रहे, क्या करूं क्या करूं। उनसे बोलो, भाई साहब कमाते क्या हो? अरे कुछ भी नहीं कमाते सर। और आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेशंस में कई लोग दिखेंगे आपको, रोते रहेंगे, काम नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, बहुत बेकार हालत है। और 3 महीने के बाद देखोगे नई गाड़ी आ गई। आपको कि नई गाड़ी कैसे आ गई? अरे वो तो ज़रूरत है, बिजनेस के नाम पर लेनी पड़ती है, क्या करें। कहाँ से आ गई अब गाड़ी है? कहाँ से इन्होंने नया घर खरीद लिया? इट इज़ समवेयर फ्रॉम दिस पैरेलल इकोनॉमी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक मेरा टॉपिक है, आपने उसके ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, उसका नाम है हवाला। हवाला में लोग, इंटरनेशनल लोग पैसा भेजते हैं, आपके घर तक पहुँचता है, और अपने अल्टीमेटली वो कैश में आता है, फिर पैरेलल इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ें आपकी लिंक्ड हैं, हवाला, पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, अनअकाउंटेड, शेडो, ये सब छुपी छुपी इकोनॉमी है, हमारे देश को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमें नहीं दिखता। अब ये मत बोलना कि सर यूट्यूब से जो इनकम होती है लोगों को, वो कहाँ जाएगी? सर वो सिर्फ काउंटेड इकोनॉमी में आता है, देर इज़ नथिंग लाइक ब्लैक इकोनॉमी फॉर एनीबडी हु इज़ अर्निंग थ्रू यूट्यूब। ऑलराइट, तो प्लीज़, आज की डेट में देर आर सो मेनी एवेन्यूज़ जिसमें आप फुल टाइम पार्ट टाइम काम करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बट गिव सम टाइम, हैव पेशेंस, इमीडिएट ओवरनाइट नहीं, 10 साल, 5 साल, 10 साल का होराइजन रखो, एंड देन यू विल अर्न। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझ आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, अभी बटन दबाओ और बेल आइकन दबाओ। छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।